बीजापुर बेस पे है। यहाँ पर नागरिकों से पूछ रहे हैं कि कौन आएगा, तो यहाँ पर नागरिक कह रहे हैं कि नागरिक किस बेस पर मतदान करें, नागरिक कह रहे हैं विकास के बेस पर मतदान करें और विकास होना चाहिए, क्योंकि आज देश की हालत बहुत ख़राब है। कहाँ देखिए वहाँ जातिवाद ज़्यादा है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि जातिवाद को दूर रखने के लिए यहाँ पर लोगों ने फारूक भाई साहब जी उनको वोट किया है। लोग कह रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान है और वो लोगों के सुख दुख में आने वाला इंसान है और लोगों की मदद करने वाला इंसान है। यहाँ के नागरिकों का कॉल ऐसा है कि यहाँ शहर मध्य विधानसभा 2041 यहाँ पर फारूक शाप्ती आएंगे, ऐसे लोगों का यहाँ पर एक कहना है। और महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सरकार स्थापना होगी, लोगों ने महा युति को नकारा है और महा विकास आघाड़ी को अपनाया है और लोगों का यही कहना है कि महा विकास आघाड़ी सरकार स्थापना करेगी। हम बीजापुर बेस पे हैं, मैं लोक प्रधान डॉक्टर सौदागर और मेरे साथ कैमरामैन सही चिकन। मेरा नाम मोहम्मद जाफर शेख है। अभी फिलवक्त तो फारूक भाई आगे हैं, इंशाल्लाह अगर लीड ज़्यादा लेंगे तो 5000 से सीट निकलेंगे ऐसा उम्मीद है अल्लाह की जात से, और ऊपर स्टेट लेवल पर महाविकास आघाड़ी मेजॉरिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। फारूक साहब जी नहीं, फारूक साहब जी जो है ना समझदार है, सियासत की सूझबूझ रखने वाले हैं और उनका काम हारने के बावजूद 5 साल में उनका मतदार संघ में काम रहा है। ऐसे ख़राब हालात थे कोविड के, उस वक़्त भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, काम किया, इसलिए लोगों की चाहत है कि फारूक भाई आए, इंशाल्लाह देखेंगे। अभी फ़िलहाल को देवेंद्र कोटे आगे थे पहली फेरी में, तो दूसरी फेरी में फारूक साहब जी 2000 की लीड है, तो आगे लीड के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, और ये लीड बढ़ेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये लीड बढ़ेगा फारूक का। ऊपर कांग्रेस की सरकार हुई थी और यहाँ हमारे यहाँ बीजापुर बेस पर पतंग आई है अल्लाह के लिए। वो पतंग क्यों आएंगे उसका मतलब? नहीं, उन्होंने काम बहुत करे ना, नए आने के बाद में जो है ना बोर्ड गरीब का काम थे, इंदिरा हुआ टीढ़ी का काम थे, खिड़ा बनाकर दिए, दवाई बनाकर, और लॉकडाउन में अनाज पानी बांटे, बोर बटे, सब कुछ काम करे वो बेचारे, इसलिए हम मत उनको डाले। कांग्रेस को हम 40 साल से डालते मगर हमारा आज तक उन्होंने कोई काम नहीं करे, हाँ इसलिए हम पसंद आना चाहिए। यहाँ पर फारूक साहब भी आएंगे? हाँ फारूक आएंगे, चलो लोगों के काम किए, काम किए, गोर गरीब का काम करे, गरीबों को पैसा भी देने के और चावल बांटने के, हर एक काम को मदद करने की शादी में जो है लोगों को, हर हर एक समाज के लोग को जो है ना गोर गरीब का काम, हर समाज के वोट खाएंगे, हाँ हर समाज के लोग, हर समाज के, हर समाज की मदद करें, हर मदद। निकाल जो चालू है तो किसके पास जो आएगा? अभी देखिए महाविकास आघाड़ी तो आना चाहिए क्योंकि उनका ही पल्ला भारी है अभी फिलहाल। आप कहाँ से, तो कौन से मतदार संघ से ताल्लुक रखते हैं? हम यहाँ अपना साकरपेट से हैं, तो हमारा हिसाब से फारूक साहब जी भी आना चाहिए और महाविकास आघाड़ी तो आएगा शायद। फारूक साहब जी क्यों आना चाहिए? नया चेहरा है, हम उसको पसंद करते हैं और आदमी भी अच्छा है, काम भी अच्छा करेंगे ऐसा हमारा उम्मीद है, वही हिसाब से फारूक साहब जी भी आना चाहिए सोलापुर के जो है विकास के लिए, तो फारूक साहब जी आना जरूरी है। और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी उसका सरकार बनेगा। आज जो इलेक्शन का जो निकाल है वहाँ तो किसके बाजू में आएगा? तो MIM हमारी तो ख्वाहिश ये है MIM को लाना है और MIM इंशाल्लाह आएगी, इसी लेट में भी MIM जाके आगे भी रही। अभी फिलहाल तो पहली फेरी में पीछे थे, दूसरी फेरी में आगे थे, तो आगे क्या होगा? पूरी फेरी में आगे रहेंगे MIM इंशाल्लाह, दूसरी फेरी में नहीं, पूरी फेरी में आगे रहेंगे इंशाल्लाह। मध्य क्यों आगे रहेंगे? ये पब्लिक की मोहब्बत है और दुआएं से नवाजा है उनको और इंशाल्लाह उन्हें आना है और पब्लिक उनको ही मतदान की है इलेक्शन में। ऊपर किसकी सरकार बैठेगी, महायुति या महाविकास आघाड़ी?
वो तो नहीं पता हमको, तो सोलापुर का पता है, हम सोलापुर का ही बोले। सोलापुर में तो फारूक शादी को लाना है, शादी का है और फारूक शादी आएगा इंशाल्लाह।